हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कमलेश वंश का ब्लॉग में। और मैं आया हुआ हूँ एक दूसरी जगह पर, जहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि एक चीज़ बनती है जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ईंट की दीवार है। और ये ईंट कैसे बनती है, भट्टे में कैसे जाती है, कैसे इसकी मिट्टी तैयार की जाती है और कैसे पकाया जाता है, वो सब जो है प्रोसेस होकर तब आपके घरों में आती है और महलों में सजाई जाती है, जिससे आपके घर तैयार होते हैं। वही ईंट जो है आपको दिखाते हैं कैसे बनते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में और आप लोगों को अभी दिखाते हैं ईंट कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपको सामने दिख रही है, ये है जो कच्ची ईंट है और कच्ची ईंट से पक्की ईंट बनती है जो कि भट्टे में पकाई जाती है आग से। और ये ईंटें कैसे तैयार हो रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा मैदान बना हुआ है और पहले जो है मिट्टी को जो है ज़मीन से खोदा जाता है, फिर इसको तैयार किया जाता है, उसके बाद में जो है इसका प्रोसेस होता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मिट्टी तैयार की जा रही है और ये एक से दो दिन में फूलेगी। पानी में ऐसे ही ये फूलती रहेगी, इसको फिर जो है यहाँ के जो कुशल कारीगर हैं वो तैयार करते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने सारे मजदूर लगे हुए हैं, बहुत सारी मिट्टी तैयार हुई है और इसका डेली प्रोसेस यही होता है। और हमारे पीछे देख सकते हैं वो मिट्टी पीछे जो है फूल रही है और इधर जो है हमारे पीछे देख सकते हैं भैया जो है मिट्टी तैयार कर रहे हैं। इससे जो है ये देख सकते हैं कि ये मिट्टी जो है फूल के तैयार हो गई। आप लोग ये देख सकते हैं कि ऐसे जो है मिट्टी वहाँ से होकर के यहाँ आई है तैयार होकर के। वो देख सकते हैं वहाँ जो है पानी में फूल रही है और यहाँ जो है फूल के ऐसी हो गई है। तो भैया कितना टाइम लगता है इसको तैयार करने में भाई जी? आधा घंटा लगता है। आधा घंटा, आधे घंटे के बाद फिर जो है आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से ये इसको हाथ से ले जाएंगे उधर, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से वहाँ ले जाएंगे इसको, वहाँ पर भी जो है इसको जो है तैयार करेंगे। ये देख ऐसे वहाँ चली गई। यहाँ से भी देख सकते कि ऐसे जो है ईंटे कच्चे तैयार होते हैं। ये बहुत सारे करोड़ों की तादाद में यहाँ से वहाँ तक ईंटे बने हुए और अभी बनेंगे। देख सकते बहुत सी ईंटे लगी हुई हैं। यहाँ सबसे अच्छा ईंटा देता है, वो अच्छे रेट में देते हैं, शिवम भट्टा का ये ईंटा हुआ है। भट्टा बहुत दूर है, आप लोगों को यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ से जो है गाड़ी के ट्रैक्टर के द्वारा वहाँ ले जाया जाएगा, वहाँ पकाया जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारी मिट्टी यहाँ तैयार हो गई है, जिससे जो है बहुत से ईंटे बनाए जाएंगे और बने पड़े हुए हैं। भैया जो है तैयारी कर रहे हैं ईंटे बनाने की, थोड़ी देर में बनने लगेगा ईंटा है। चलो ठीक है, एक दिन में कितने ईंटे बना लेते हो? 2000 सब लोग मिल के बनाएंगे? हाँ, तीन परिवार। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये ईंटे जो है बन रहे हैं ऐसे और ये भैया बहुत खुश हैं। हेलो भैया, कैसे हो? कैसे हो भाई जी? एक दिन में भाई जी कितने ईंटे बना लेते? एक दिन में 2000 हम बना लेंगे। हाँ, समय आएगा तो हमसे बन जाएगा। बचपन में हमने खूब बनाए। हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पीछे जो है हमारे भैया बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं, एक दिन में करीब 1-2 हज़ार ईंटें बन जाते होंगे। तो ऐसे ही देख सकते हैं हमारे पीछे मिट्टी एकदम तैयार है। ऐसे ही जो है भैया लोग मिलके सब परिवार यहीं रहते हैं और अपना जो है जीवन यापन यहीं से करते हैं। आप लोग बिहार से आते हुए? हाँ। तो सब लोग ये नीतीश जो कि बिहार के मंत्री, उन्हीं के गांव से हैं। तो यहाँ से रोजमर्रा ये हर साल आते हैं, अभी बरसात में चले जाएंगे ना सर। तो ऐसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को नज़दीक से दिखाते कि ईंटा देखो भैया कैसे बना रहे हैं। फोन कर, फोन कर,
दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है ईंटें बन रहे हैं और बहुत ही प्यारी निकलती है। ऐसे ही कच्ची तैयार होकर भट्टे में जाती है, बन जाती है, उसके बाद आपके घरों में पहुंचती है, जिससे आप लोग जो है अपना घर बनाते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए और एक लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों को आगे भी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग, ये देखिए वही गाड़ी है, हाथ गाड़ी, जिससे जो है मिट्टी लाया ले जाया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का बिजली का यूज नहीं करते लोग, सिर्फ पानी ही आता है जो बिजली से चलती है। बाकी सब लोग, आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे लोग लगे हुए हैं ईंटें बनाने में। ये देख सकते हैं कितनी स्पीड में ईंटा बन रहा है और दोनों भाई कितने खुश हैं हमारे। हेलो कर दे भाई, एक बार कर दे भाई, हेलो कर दे यार एक बार। 2000 ईंट बना दोगे आप? आज कहाँ बनेगा, नहीं बन जाएगा, सुबह से बन जाएगा, सुबह से बनेगा। ज़्यादा लोग होते तो बन भी जाता है, दो लोग में मान के चलो कि 1500-1600 बन जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं लोग, तब जाके ये तैयार होती है। अभी ये कच्चा मटेरियल है, इसको तैयार करने में इतना समय लगता है कि मेहनत भी लगती है, रात रात भर मिट्टी फूलती है, तब जाके कहीं इनका जो है प्रोसेस तैयार होता है। और अभी इन लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, अभी लंच करेंगे 2-3 बजे, तब जो है फिर स्टार्ट करेंगे। बहुत मेहनत का काम है। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब व शेयर करें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा प्रोसेस है और कितनी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगती है। देखो छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी परे, मुंह दिखा यार, कोई दिक्कत नहीं, और शर्मा रहा है दोस्त, और बहुत मेहनत करता है। अपने यहाँ बच्चे जो है छोटे होते हैं, उनको ठंड लगती है, ये ठंड में जो है इतनी मेहनत कर रहा है, मेहनती बच्चे होते हैं। और हाँ काटो 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 काटो। दोस्तों बच्चा बहुत शर्मा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो है ईंटें बने हुए हैं, यहाँ से मिट्टी ले जाई जाती है और मिट्टी से बने ये जो ईंटें हैं इनको टाली में रख के भट्टे में ले जाया जाता है। कभी टाइम लगेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि भट्टे में भी कैसे ईंटें पकते हैं, पकाए जाते हैं और निकलते हैं। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कहीं खो गए हैं, यहीं कहीं मिलेंगे, खेल रहे होंगे, तो आप लोगों को दिखाएँगे यहाँ पर। देखिए बहुत सारे सब लोग यही ईंटें ही बनाते हैं। ये अपना भाई आ गया जो कि बहुत खुश है। और भाई क्या हालचाल है? ठीक है। तुम ईंटें बनाते हो, यही काम करते? तुम्हारा कहाँ अड्डा है? वही तैयार हो रहा है ना, अभी भाई भी बनाएगा। और हेलो कर दो हमारे दर्शकों को, हेलो करो शर्मा ना यार, तुम शर्माते क्यों, हेलो करो ये शर्मा रहा है यार। तो ये भाई अपना आ गया है, अभी इसके जो है इसको भी दिखाएंगे किसी दिन बनाए के। तो सब लोग यही प्रोसेस करते, सब इन लोगों का परिवार होता है जो कि सब लोग साथ में आते हैं ईंटें बनाते हैं। और नीतीश के गांव से हो ना, बिहार? नीतीश सब लोग बिहार से आए हुए हैं, नीतीश कुमार जी के गांव से, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो यही प्रोसेस रहा है पूरा, मिट्टी तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर फूलती है, ठंडी भी लगती है, ठंडी भी लगती है लोगों को, पर क्या करे, पेट को पालना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कल 26 जनवरी भी है, जो भी देखेगा सबको हमारी तरफ से, कमलेश वंशिका की तरफ से, आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। देखो क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ, खेल रहे हो, केक बना रहे हो भाई, केक बना रहे हो? अच्छा मिट्टी के खिलौने, चलो देखते सबसे अच्छा खिलौना किसका बनता है, है ना? मेरा आनेगा। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। डग्गू तुम कहाँ बनायो? अबे कुछ ना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये मिल गए हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि खेल रहे हैं मिट्टी, मिट्टी खेलने में इनको बहुत मजा आ रही है। और देखो कितने खुश है, कहाँ बना रहे हो? केक। कौन सा केक? केक और खिलौना, चॉकलेटी केक।
चलो सबको 26 जनवरी में केक खिलाना है। हेलो करो सबको, 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद करो सब लोग, खड़े होकर खड़े हो जय हिंद करो, पहले खड़े हो, पिक बनाओ, खड़े हो चलो सब लोग लाइन से खड़े हो, बोलो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय जिंदाबाद। चलो ठीक, बाय बाय। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।